दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें, मध्य प्रदेश के सभी 52 जिलों की खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरें पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने गाँव की बेटियों के लिए शुरू की है स्कॉलरशिप योजना। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गर्ल्स स्टूडेंट के भविष्य को देखते हुए दो स्कॉलरशिप योजनाओं की शुरुआत की है। उन्होंने गुरुवार को गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना शुरू की है। इसमें पढ़ने के इच्छुक छात्राएं इन स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ उठा सकेंगी, जिसकी एप्लीकेशन प्रोसेस जनवरी 2022 से शुरू होंगी। मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया है कि दोनों की स्कॉलरशिप योजनाओं के माध्यम से गांव की बेटियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश की जा रही है। योजना के तहत बेटियों को 10 महीने तक लगातार 500 रुपये प्रतिमाह की स्कॉलरशिप दी जाएगी। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की छात्राएं इस योजना के तहत ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट 20 जनवरी 2022 रखी गई है। यदि आप गांव में रहती हैं और छात्रवृत्ति लेना चाहती हैं तो किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाकर के इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और छात्रवृत्ति का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए छात्राएँ स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर रजिस्टर कर इन स्कॉलरशिप योजनाओं का लाभ उठा सकती हैं। स्कॉलरशिप सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। छात्राएं पोर्टल पर रजिस्टर कर लॉगिन आईडी जनरेट कर एप्लीकेशन फॉर्म भी भर सकेंगी। उसके लिए आप किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर चले जाएं और वीडियो के माध्यम से, वीडियो में बताई गई जानकारी के हिसाब से स्टेट स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन अप्लाई कर सकती हैं। गांव की बेटी योजना मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाली छात्राओं के लिए है। वहीं प्रतिभा किरण योजना मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र में पढ़ने वाली उन मेधावी छात्रों के लिए है जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। कक्षा 12वीं में अच्छे अंक पाने वाले या पास करने वाले को ही इस योजना का लाभ मिलेगा। इस स्कॉलरशिप योजना के तहत छात्राओं को हर साल लगभग 6,000 रुपये तक का फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश सरकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी विचलित हो रही है। ओबीसी आरक्षण बहाल करने की तैयारी कर रही है सरकार। पिछले दो पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीते ओबीसी उम्मीदवारों की जानकारी जुटा रही है मध्य प्रदेश सरकार। पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण बहाल करने के लिए सरकार ने कयावत शुरू कर दी है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए पिछले दो चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों की जानकारी जुटाई जा रही है। अल्पसंख्यक एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर इसका ब्यौरा मांगा है। इससे पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी भी मांगी है। मंत्रालय के सूत्रों ने बताया कि सरकार ओबीसी वर्ग को स्थानीय चुनाव में 27% आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है, ओबीसी का पक्ष मजबूत करना चाहती है। इसके लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग रिपोर्ट तैयार कराई जा रही है, इसे सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है। इसका अध्यक्ष पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन जी को बनाया गया है। आयोग को पिछड़े वर्ग की वर्तमान सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति का अध्ययन करके पिछड़ा वर्गों के कल्याण के लिए सरकार को सुझाव देना है। इसके लिए विभाग ने कलेक्टरों से जानकारी मांगी है ताकि सुप्रीम कोर्ट में या पंचायत चुनाव में ओबीसी का पक्ष मजबूत हो सके। वहीं मध्य प्रदेश बोर्ड के 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मंडल ने जारी किया है टोल फ्री नंबर। माध्यमिक शिक्षा मंडल लगातार परीक्षा की तैयारी में जुटा हुआ है। कोरोना के केस बढ़ने के बावजूद एमपी बोर्ड द्वारा 9वीं से लेकर 12वीं तक की परीक्षाओं को लेकर अब तक कई दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं जो छात्रों के हित में हैं। वहीं छात्रों की सुविधा के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 2022 परीक्षा के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। मध्य प्रदेश बोर्ड के छात्र और अभिभावक टोल फ्री नंबर के जरिए माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा से संबंधित सवाल पूछ सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 9वीं से लेकर 12वीं तक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए जारी टोल फ्री नंबर है 1800233017। 5 पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। इस दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल से 120 से ज़्यादा विषयों के एक्सपर्ट रखे गए हैं। आप इन एक्सपर्टों से सवाल पूछ सकते हैं और अपनी परेशानी हल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया है बड़ा तोहफा। नए साल पर 876 करोड़ रुपए की दिए स्वीकृति। नए साल से पहले केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना में मध्य प्रदेश के लिए 876 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, जिसके लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना में
47.80 किलोमीटर लंबाई को फोरलेन करने के संबंध में दी गई 876 करोड़ रुपए की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। इस राशि से मध्य प्रदेश में भारतमाला परियोजना के तहत सड़कों का जाल बिछेगा। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी खबर है, अब घटिया बीज से मध्य प्रदेश के किसानों को मिलेगी बड़ी निजात। महंगा बीज खरीदने के बाद भी फसल खराब होने की समस्या से किसानों को जल्द ही निजात मिलेगी। इसके लिए शिवराज सरकार मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। इसमें राज्य बीज विकास निगम से जो बीज किसानों को सहकारी समितियों, विक्रय केंद्र, विपणन संघ या सहकारी योजनाओं के माध्यम से दिया जाएगा, उसके बैग पर QR कोड अर्थात क्विक रिस्पांस कोड होगा। इस कोड को चेको अप के माध्यम से देखने पर बीज की पूरी कुंडली पता चल जाएगी। ध्यान रखिएगा, बीज किस किसान द्वारा उत्पादित है और यह बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित है या नहीं आदि की जानकारी मिलेगी। इसके अंकुरण की क्षमता सहित अन्य जानकारियां किसान प्राप्त कर सकेंगे। इससे बीज की गुणवत्ता तो सुनिश्चित होगी ही एवं प्रमाणित बीज के नाम पर होने वाली गड़बड़ी पर भी रोक लगेगी। बीज निगम 1.5 लाख क्विंटल से अधिक चना, गेहूं, सरसों, सोयाबीन, मसूर, अलसी, अरहर आदि के प्रमाणित बीज उपलब्ध कराता है, जो कि किसानों को अब बड़ी सुगमता से मिलेगा। इसके लिए प्रत्येक बीज के बैग पर एक QR कोड होगा, जिसके माध्यम से किसान यह पता लगा सकेंगे कि बीज उसने लिया है उसे किस किसान ने उत्पादित किया है, उसकी गुणवत्ता कैसी है और वो बीज प्रमाणीकरण संस्था से प्रमाणित है या नहीं। इससे बीज को लेकर शिकायत आती थी वह दूर होगी और किसानों को प्रमाणीकरण बीज मिलेगा, जिससे फसलों का उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से जानकारियाँ थी। यदि आपको जानकारियाँ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।